अब हम नौकरी करेंगे और आपका सहारा बनेंगे। देखिए हमका सन्नो का इतना फिक्र ना ही है, वो शादीशुदा है, उसका सौहर है, आज नहीं तो कल उसका सौहर उसकी जिम्मेदारी उठा ही लेगा। तुम अकेली हो, हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? लो जी, जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? यूं ही सड़क से उठा उठा के लाती रहेंगी अम्मा। अरे काहे रास्ते से पकड़ेंगे, हमका यकीन तुम्हारा शादी बड़ा अच्छा जगह पे होगा, सहजादे जैसा होगा तुम्हारा दूल्हा। आइए मम्मी चाय पी लीजिए। अम्मा का जाने के बाद पूरा घर खाली खाली लगने लगा है। ठीक कह रही हो सनु, अम्मा के दम से ही तो रौनक था घर में। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। कहाँ फालतू बात कर रही, इंसान का हाथ में थोड़ा ही होता है जिंदगी और मौत। ना ही होता, लेकिन इंसान ही इंसान की मौत का बहाना बन जाता है। ना हमारी शादी की बात छिड़ती, ना अम्मा बीसी के पैसे लेने जाती, और ना ही वो डाकू कमीना हमारी माँ का जान लेता। समझ सोचिए मम्मी, जो कुछ होता है वो अल्लाह का हुक्म से होता है। और तुम्हारा कमीना सोहर कहाँ है? नाम मत लीजिए उका, हमारा दिमाग खा रहे थे, हम भी आदू को अच्छा से सुना दिए। वो तब का चले गए हैं, बोले कि हम वापस नहीं आएंगे। कहीं नहीं जाएगा, कोनो ठिकाना ना ही है उसके पास। देख लीजिएगा, थोड़ी ही देर में आते होंगे इधर। हम जानते हैं, इसीलिए तो हम कुछ ना ही बोले, वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। कौन आ गए? आ गए होंगे वो ही, देखते हैं हम।